दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ANM 9212 नियुक्ति पत्र के संदर्भ में लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार नियुक्ति पत्र का वितरण कब किया जाएगा। तो बिल्कुल उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो में हम साझा करेंगे कि नियुक्ति पत्र का वितरण कब होगा। यहाँ देख पा रहे हैं नियुक्ति पत्र के लिए CM योगी का आश्वासन। बिल्कुल आप सभी को पता है, जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी ANM बहनें वहाँ पर पहुँची और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है, इस वीडियो में हम साझा करेंगे। देख पा रहे हैं कब मिलेगा नियुक्ति पत्र, प्रूफ के साथ देख लो, बिल्कुल इस वीडियो में हम बताएंगे। और इस डेट को नियुक्ति पत्र का वितरण फाइनली हम आपके बीच में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एक फिक्स डेट आपकी क्या हो सकती है नियुक्ति पत्र वितरण की। यहाँ देख पा रहे हैं परिवार कल्याण के डीजी मैम ने क्या कहा, ठीक है, तो इस पर भी बात होगी। आपको पता है परिवार कल्याण कहा जाए, डीजी मैम के ऑफिस जाया गया, वहां पर नियुक्ति पत्र के संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में एक अपडेट हम दिखाना चाहेंगे जो कि विभिन्न न्यूज़पेपर में निकल कर आ रही है। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा जा रहा है जनता दरबार पहुंची सैकड़ों चयनित ANM, ठीक है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, सबसे पहले हम जो है इस न्यूज़पेपर यानी कहा जाए सहारा को हम जो है धन्यवाद देना चाहेंगे जो आज के अपने इस पेज में ANM बहनों के सपोर्ट में आपने आगे आया है, ठीक है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में नवचयनित महिला स्वास्थ्यकर्मी प्रदेश के विभिन्न जनपदों से और मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र देकर दो ANM बहने नियुक्ति पत्र की गुहार लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि आप सभी की भर्ती पर कार्यवाही चल रही है और जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। बीते 6 अगस्त को अधीन सेवा चयन आयोग महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अंतिम रूप से सफल जो है परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया और भर्ती में असफल अभ्यर्थी आयोग पर गलत आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चले गए। सुनवाई में आयोग की डबल बेंच की जीत हुई जो है। इसके बाद असफल अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 5 अभ्यर्थियों को होल्ड करते हुए से 7184 पर लगे स्टे को हटा दिया और सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंचे। ANM के चेहरे खिल उठे जब मुख्यमंत्री ने जल्द नियुक्ति पत्र मिलेगी, ठीक है। यहाँ देखिए और भी आपके बीच में स्पष्ट रूप से यहाँ कहा जा रहा है बड़े हेडिंग में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द नियुक्ति पत्र का दिया आश्वासन। आपको पता है आश्वासन, तो अगर हम बात करें आश्वासन का तो बिल्कुल बहुत दिनों से आपके बीच में नियुक्ति पत्र का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन सवाल कई तरह के उठते हैं, वो आश्वासन हमारा एक फिक्स डेट में कब परिवर्तन होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं हमने आपके बीच में प्रूफ दिखा दिया और यहाँ डीजी मैम के ऑफिस जब जाया गया तो इनके द्वारा चीज़ें स्पष्ट की गई कि आपका जो नियुक्ति पत्र का वितरण है सब कुछ प्रोसेस पूरा हो चुका है, सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो है जल्द ही उनके द्वारा जब आदेश पारित कर दिया जाएगा तो आपका नियुक्ति पत्र जो है वो जल्द से जल्द वितरित किया जाएगा, ठीक है। ये भी शासन प्रशासन के इंतजार में बैठे हैं, सिर्फ इन्हें प्रशासन के आदेशों का इंतजार है। जैसे ही आदेश मिलता है तत्काल नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। लेकिन कब तक हमारा होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जून महीने यानी कहा जाए इसी महीने के लास्ट तक आपको 100% नियुक्ति पत्र का वितरण करवा दिया जाएगा। ये आप लिखित ले लीजिए, ठीक है। कब तक, जून महीने या कहा जाए जो महीना आपका चल रहा है इसी महीने के लास्ट तक आप सभी के हाथों में नियुक्ति पत्र देखने को मिलेगा और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी बहुत जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र के साथ आप अपने जो है जॉब को आगे के लिए जरूर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट्स, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान जब भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तो प्लीज आप भारी से भारी संख्या में पहुंचे और नवचयनित ANM बहनों को जो नियुक्ति
पत्र वितरण के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, जो है ज्ञापन सौंपने के, उसे आप भारी से भारी संख्या में पहुंचकर सफल बनाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो से आप संतुष्ट हैं। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।